नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो घर पे सीलन आती है उसे कैसे ठीक किया जाता है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम यूज़फुल वीडियो दिखाते हैं जिसका आपको घर बैठे बैठे आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको किसी को बुलाने की भी घर पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख रहे होंगे कि सामने दीवार है, उस पर सीलन हो रखी है और इसको कैसे आप रिपेयर करेंगे। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं बाहर से किसी को बुलाते हैं तो वो कम से कम दिहाड़ी के हिसाब से 1,000 रुपये ले जाता है। तो आप और सीलन, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें सीलन पड़े ही नहीं। सीलन हमेशा पड़ती रहती है, कभी ना कभी कहीं से पानी लीक कर जाता है और सीलन पड़ जाती है। इसलिए अगर आप खुद सीख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप आसानी से कर सकते हैं। और जो दिहाड़ी पे करने वाले आते हैं वो इसे अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो लोग, सूखता है नहीं उस पे, वो क्या कहते हैं, पुट्टी लगा के चले जाते हैं और जिसका कोई यूज़ नहीं रहता। डबल लेयर लगानी चाहिए, तो डबल लेयर भी तब लगानी चाहिए जब एक सूख जाए, लेकिन वो क्या करते हैं, टाइम बचाने के चक्कर में एक लेयर मारने के बाद दूसरी लेयर उसी के ऊपर मार देते हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इसे करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। आइए शुरू करें। ये जितने भी आपको पपड़ी दिख रही है इसे हम चार देंगे। ये पत्ती आती है 5 रुपए की, कहीं कहीं 10 रुपए की मिलती है। ये पत्ती आप ले लीजिए, इस पत्ती से हम पूरा का पूरा जो ऊपर पपड़ी निकली हुई है इसे झाड़ देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर वॉल पुट्टी लगाएंगे। तो आओ इसे हम झाड़ते हैं। इसको ऐसे करके जितने भी है अच्छे से निकालेंगे, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। अगर यही चीज आप किसी दिहाड़ी के उसको करेंगे तो वो ज्यादा पपड़ी नहीं निकालते हैं, क्योंकि उनका काम बच जाता है। तो आपकी जहां तक पपड़ी निकल रही है आप उसे निकालिए। अगर ये पत्ती से नहीं निकल रहा तो आप ये क्या कहते हैं, पेचकस भी यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं जहां जहां आपको लग रहा है कि निकल सकता है। जो चीज सीलन पड़ गई है वही चीज ही निकालिए। देखिए, पेचकस का यूज करके, पत्ती का यूज करके हमने जितना निकालना था निकाल दिया है। जितना निकला है, निकालना नहीं था, जितना निकला है उतना हमने निकाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके ऊपर झाड़ू मार देनी है अच्छे से। पंखा बंद रखना है, जो भी काम शुरू करो उससे पहले से पंखा बंद रखना है। पंखा बंद करने का मतलब ये नहीं है कि ये मैं उड़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम जो बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे जो लगाने के लिए, वो बहुत जल्दी जल्दी सूखता है। इसलिए पंखा आप इस एक्टिविटी में शुरू से अंत तक बंद करके रखिए। उसके बाद ये होने के बाद आप इस पे ब्रश मारिए। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी होगी ऊपर चिपकी हुई वो सारी झड़ जाएगी और उसके ऊपर हम जब सॉल्यूशन लगाएंगे तो वो अच्छे से चिपकेगा। तो इसलिए आपको पूरा इसे ब्रश मार देना है। मोटा ब्रश है तो मोटा ब्रश ले लीजिए, बस मेन जो हमारा इसका पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए। अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी ये जो नीचे इतना आप देख सकते हैं जमा हो गया है, इन सबको पहले हम साफ कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर लगाते हैं इसे।
ब्रश ब्रश मारने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मार दीजिए, जहाँ जहाँ आपको वो करना है। अभी अपना हल्का सा सूखता रहेगा, ये हल्का सा सूखता रहेगा तब तक हम मसाला बनाते हैं। अब आपको लेना क्या है, वॉल पुट्टी और पीओपी, ये दो चीजें लेनी है आपको, वॉल पुट्टी और पीओपी। ध्यान रखिए रेशियो ऐसा होगा, अगर वॉल पुट्टी आप 2 किलो लेते हैं तो 1 किलो पीओपी बहुत है। वॉल पुट्टी में पीओपी इसलिए मिलाई जाती है ताकि वो अच्छे से पकड़ के रखे दीवार पे, छूटे ना, इसलिए मिलाई जाती है। तो यहाँ तो मैं गलती से ले आया हूँ 2 किलो, मेरा और भी काम है तो, लेकिन आप रेशियो याद रखना 2 किलो के साथ 1 किलो रखना। आओ हम इसको ज़मीन पर ही बनाते हैं क्योंकि ये निकल जाता है उसके बाद, और पंखा बंद रखेंगे। और देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। आप कहीं सोचो एक ही बार में मैं निपटा दूं तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके लेना है वो, तो इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। इसमें हल्की सी उतनी ही मिलाएंगे, ज्यादा नहीं मिलाएंगे ताकि ये पकड़ पकड़ सके, रेशियो अपना वही रहेगा। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से, देखिए दीवार पे। आप नए यूजर हैं तो आपको लगाने के लिए मैं एक और चीज बताता हूँ जो सिंपल बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। आप 6 इंच की पट्टी यूज करना, इस तरीके की 6 इंच की, तो इससे बहुत स्मूथली लगता है। इसका यूज तो मैं इसे मिक्स करने के लिए यूज कर रहा हूँ। इसमें पानी डालेंगे, हल्का हल्का से इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि इसमें एकदम अच्छे से वो हो जाए, कहीं कोई वो ना रहे, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाए, इसमें गांठ वांठ ना बने। अब इसको मिक्स कर लेंगे सभी को, जब तक एकदम मुलायम ना हो जाए, ऐसे करते रहेंगे धीरे धीरे करके सभी को। इस तरीके से आप उसे अच्छे से वो करते रहेंगे ताकि कोई उसमें पत्ता वत्ता सब पिस जाए, मतलब अच्छे से, जैसे मेहंदी नहीं खोलते वैसे। आप इसे देख सकते हैं ये बन गया है। अब जैसा मैंने आपको कहा था, इसमें आप ले लेंगे इसको और मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाना है।
अब इसको हम लगाएंगे दीवार पे। देखिए ये ले लिया मैंने, अब आप इसको जहां जहां लगाना चाहते हैं वहां लगाएंगे। और ले लेंगे, लगाएंगे। अब देख सकते हैं इस तरीके से आप सब जगह लगाएंगे, पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, और फिर उसके बाद हम इस पे रेक मार्क मारेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए कि ऊबड़ खाबड़ लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्योंकि जब हम आप थोड़ा सा हल्का सा इसे दीवार से थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि रेक मार्क मारने के बाद बिल्कुल बराबर हो जाए, प्लेन हो जाए। तो रेक मार्क से हम इसे प्लेन करेंगे। रेक मार्क सैंड पेपर होता है जो 100 नंबर का यूज किया जाता है। तो अभी तो हम इस पुट्टी को पूरी दीवार पे लगा देंगे, उसके बाद सूखने देंगे, फिर रेक मार्क मारेंगे। देखिए ये दीवार पे हमने क्या कहते हैं पुट्टी लगा दी है। अब आप इस पे एक और लेयर पुट्टी लगाएंगे, उसके बाद सैंड पेपर रेक मार्क, उससे आप इसे घिस के बिल्कुल दीवार के बराबर मतलब प्लेन कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दो लेयर इस पे मार दिए, और दो लेयर लगाने के बाद ये बिल्कुल सूख चुका है। अगर आपने ये कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि किसी एरिया में ये सूख नहीं रहा है, इसका मतलब वहाँ सीलन अभी भी है और कहीं ना कहीं पानी लीक कर रहा है। तो ये पूरी तरह सूख चुका है, अब इसमें सीलन कहीं नहीं है। अब हम इस पे रेक मार्क मारेंगे और रेक मार मार के इसे बिल्कुल प्लेन कर देंगे। तो रेक मार्क मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ऐसा होता है ये, इसे सैंड पेपर भी बोलते हैं। हम ये 100 नंबर का यूज़ करेंगे, आप 80 या 100 नंबर का यूज़ करके इस पे घिसें और इसे बिल्कुल प्लेन कर दें दीवार की तरह। फिर उसके बाद इस पे पेंट हो जाएगा और ये बिल्कुल दीवार के कलर से मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम घर के कोई भी सीलन को ठीक कर सकते हैं। कोई भी आपको बाहर के इंजीनियर को बुलाने, इंजीनियर मैं बोल रहा हूँ, बाहर के किसी भी लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है घर में, मिस्त्री विस्त्री को, ये काम करने के लिए आपका पैसा भी बचेगा और आप इसे खुद से कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो बार बार रिपीट होती है, आप ठीक भी करवा लेंगे तो 1-1.5 साल बाद फिर कहीं और सीलन पड़ जाती है, इसलिए आप खुद सीखिए और खुद कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।